आज हम पहुंचे हैं पंजाब के फरीदकोट शहर में, यहाँ डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आज के कलयुग के टाइम पे यहाँ लोग अपनी बाल का एक कतरा भी नहीं किसी को देते, वहाँ पे डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स अपना रक्त दान कर रहे हैं लोगों के लिए। इन लोगों का कहना है इनको इंस्पिरेशन मिलती है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसे। आइए हम एक भाई से पूछते हैं जो डेरा सच्चा सौदा के डिवोटी भी नहीं है, वो यहाँ ब्लड डोनेट करने आए हैं, उनका क्या कहना है। हाँ जी भाई जी, आपका क्या नाम है? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप यहाँ ब्लड डोनेट करने आए हैं है ना, मतलब आप किस लिए ब्लड डोनेट करने? आप डेरा सच्चा सौदा को मानते भी नहीं, फिर भी यहाँ ब्लड डोनेट करने आए हो? हाँ जी, हमने देखा जो डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु है उनके गुरु है जो जेल में बैठे हैं, फिर भी वो उनके जो मानवता भलाई के कार्य है वो ज्यो कहते हो वैसे ही कर रहे हैं। उन्हीं से देखकर हमने हमें भी ये प्रेरणा मिली कि क्यों भी हम भी ऐसे ही ब्लड दान करें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो लोग डेरा को मानते भी नहीं है वो भी आज यहाँ रक्त दान करने आए हैं। आप यहाँ आज क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को, जो लोग यहाँ पे हैं मतलब रक्त दान उन्हें करना चाहिए? हाँ जी, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से कई ऐसी जाने हैं जो रक्तदान से बच जाती है। इन्हें इनके जो गुरु है वो यही शिक्षा देते हैं इनको, और सभी को ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आपने अभी देखा यहाँ बहुत से लोग, यहाँ आप देख सकते हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं अपने गुरु की इंस्पिरेशन से, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जिनकी प्रेरणा में 134 मानवता भलाई के काम चल रहे हैं, और ये मानवता भलाई के काम ज्यों के त्यों ही चल रहे हैं, चाहे इनके गुरु आज यहाँ पे नहीं है। लोगों के कहने के मुताबिक वो जेल में है, मगर वे कार्य वो मतलब उनकी प्रेरणा से ऐसे ही किए जा रहे हैं।